हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट फर्स्ट। यूएस मार्केट्स कल क्लोज थे, बट बॉन्ड मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एक्शन है, जहाँ पे हम यील्ड देख रहे हैं करीबन 1.82 के आसपास आ चुका है। सो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स फैक्टर इन कर रहा है जितना भी रेट हाइक्स आगे ये साल में होने वाला है, वो फैक्टर इन कर रहा है, इन्फ्लेशन के नंबर्स फैक्टर इन कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि इट इज़ जस्ट नॉट इन यूएस बट वर्ल्ड अक्रॉस हम देख रहे हैं कि कल भी, अगर मैं इंडियन मार्केट्स के हिसाब से बात करूँ तो कल 10 ईयर जीसेक भी 1.62 के आसपास आ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50 बेसिस पॉइंट का जंप आ चुका है, फ्रॉम 6.16 से अब 6.62, 6.63 के आसपास आया है। तो ये भी मार्केट फैक्टर इन कर रहा है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, खास करके इंडिया में भी। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स अभी मोस्टली पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। शांघाई, निकाय एंड हैंसेंग ऑल आर ट्रेडिंग पॉजिटिव, बट एसजेक्स निफ्टी हल्का सा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, करीबन 15-20 पॉइंट। ज़्यादा कोई इतना कट नहीं है, कल भी ऐसा ही था, बट मार्केट ने एक अच्छा खासा दिन बताया कंसोलिडेशन वाला। अभी भी मैं कहूँगा इट इज़ मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन एट अराउंड 18,200 के आसपास। कल की क्लोजिंग तो अच्छी रही थी, बट बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया था। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड अभी भी $86 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बिकॉज ऑफ दी सप्लाई कंसर्न्स। सो यहाँ पे एक ये भी एड फ्यूल इन कर रहा है इन्फ्लेशन को। गोल्ड की बात करें तो 1820 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक फर्म स्ट्रेंथ दिखा रहा है गोल्ड। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे लगता है कि गोल्ड कुड बी वन ऑफ दी एसेट क्लास विच वन कैन इन्वेस्ट इन दिस कैलेंडर ईयर। रुपी की बात करें तो रुपी ने थोड़ा और वीकनेस दिखाया, 74.24 पे कल की क्लोजिंग आई है। तो 74 के नीचे हम ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए, अब 74 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। एफ आई एस लगातार बिकवाली कर रहे हैं, बट कल का नंबर थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम था। तो 855 करोड़ की उन्होंने कैश में बिकवाली की है, और डी आई ने भी कल बिकवाली की है 115 करोड़ की। तो दोनों ही इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, दोनों ने ही बिकवाली की है कल के सत्र में। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का अभी भी सपोर्ट जो रेंज जो अभी भी बरकरार है वो है 17,950 से लेके 18,000 तक, एंड ऑन दी अपसाइड 18,400। सो ये कंसोलिडेशन का फेज जितना लंबा चलेगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए, बिकॉज एक वन वे मूव सस्टेनेबल नहीं होता। जिस तरीके से हमने एक वी शेप एक्चुअली मूव देखा 18,600 से 16,500 एंड वेरी शार्प रिबाउंड टूवर्ड्स 18,200। तो एक कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, वो मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत हेल्दी रहेगा। कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करते हुए कहा कि ये बेस्ट टाइम है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए टू ऑल दी ग्लोबल कॉर्पोरेट्स। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज वर्ल्ड ओवर दिया है कि बाकी कम इकोनॉमी के हिसाब से, बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से वी आर वेल पोजिशन इन नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर, फॉर दिस पर्टिकुलर डेकेड। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। सो अब शुरू हो चुकी हैं कि मार्च में 12 से 14 एज के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन शुरू हो सकती है मार्च से। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है वैक्सीनेशन के लिए, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है इट हैज़ बीन वेल अप्रिशिएटेड नॉट जस्ट इंडिया बट वर्ल्ड ओवर। जिस तरीके से हमने मोर देन 150 करोड़ वैक्सीनेशंस दी हैं, और ऑलमोस्ट 70 करोड़ को हमने डबल वैक्सीनेशन दे चुके हैं। अब तो बूस्टर देने अब भी वो भी दे रहे हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत जिस तरीके से वेल प्लान्ड वेल एग्जीक्यूटेड वैक्सीनेशन चल रही है, ये बहुत ही अप्रिशिएट किया है सारे ही कंट्रीज़ ने। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में उसके पहले मैं कहूँगा कि दो तीन सेक्टर जहाँ पे मैं काफ़ी बुलिश था और जिस तरीके से पैन आउट हुआ। टेक्सटाइल से मैं शुरू करूँगा। टेक्सटाइल देखिए, मैं बहुत टाइम से पॉजिटिव था। फिलाटेक्स करीबन 100 के आसपास था, अब 140 हो गया है, 40% का अप्रिसिएशन।
सरला परफॉर्मेंस 50-55 के रेंज में मेंशन किया था, अब ये 72-73 ऑलमोस्ट अगेन 40% अप्रिसिएशन। अरविंद लिमिटेड 110-15 रेंज में मेंशन किया था, 153-154 का हाई लगाया कल के दिन में। तो हम अक्रॉस देख रहे हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, आउट बीटिंग दी द निफ्टी और दी बेंचमार्क्स विच हैज़ बीन डन, विच हैज़ बीन इन अ मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन फेस। बट हमने जिस तरीके से स्टॉक आइडेंटिफाई किया, सेक्टर आइडेंटिफाई किया, वो हमारे पोर्टफोलियो को एक बहुत बड़ा किकर दे रहा है। अब टेक्सटाइल अगर किसी को चाहे इस टाइम पे, मेरा ये मानना है कि अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो 25-30% बुक कर सकते हैं एंड रेस्ट ऑफ द पोजीशन दे कैन होल्ड ऑन, और अगर चाहिए तो 50% अगर आप थोड़ा मोर ऑफ अ ट्रेडिंग मेंटालिटी से आप ट्रेड करना चाहते हो तो 50% बुक कर लो, और नीचे आया तो फिर से वापस ऐड कर लेना टेक्सटाइल। बट टेक्सटाइल यू शुडन मिस आउट, ये साल ही टेक्सटाइल के लिए अच्छा रहेगा। बिफोर द बजट ये एक प्रीएम्प्ट रैली हो सकती है, मे बी पोस्ट बजट थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है इसमें, यू कैन रूल आउट दैट पर्टिकुलर साइड ऑल्सो। नाउ कमिंग टू दिस शुगर स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स में ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरीके से बलरामपुर, चीनी, धामपुर, ये मैं हमेशा मैंशन करते आ रहा हूँ। बट और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कल आई है, जहाँ पे जो अक्टूबर से लेके दिसंबर का जो क्वार्टर था, वहाँ पे शुगर्स कंपनीज ने 4 गुना एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है। आप सोचिए किस तरीके का उनका प्रॉफिट होगा ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो मैं मानता हूँ कि शुगर स्टॉक्स बहुत ही अच्छे स्पेस में है। आपको अगर आप पहले से आपने ख़रीदा नहीं है तो हर गिरावट में आपको बाय करनी चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ। शुगर स्टॉक्स इट इज़ जस्ट नॉट फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर, इट इज़ फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, जहाँ पे मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ। खास करके एथेनॉल एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो सकता है, अलग है एक एनर्जी जो कि प्रोवाइड कर सकता है बियॉन्ड दैट पेट्रोल डीजल जो कार्स में यूज़ होती है। तो शुगर स्टॉक एक अलग और एक सेगमेंट है जहाँ पे हम काफ़ी बुलिश हैं, और जिस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्म किया है वो आप देख सकते हो। अब मैं और 2-3 स्टॉक्स में मेंशन करूँगा जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, इस टाइम पे आपको बाय करना चाहिए, और कई बार मैंने शायद बीच में मेंशन भी किया था प्रिंस पाइप इज़ लुकिंग वेरी गुड, तो वहाँ पे आप लेके चल सकते हो। कल का प्राइस था 736, सो 710 से लेके 730-735 या 40, ये रेंज में अगर आपको मिलता है ये स्टॉक तो आपको लेना चाहिए, हर गिरावट में आपको लेनी चाहिए। 690 या 685 का स्टॉप लॉस रख सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 800-850, सो दैट इज पॉइंट नंबर वन। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है गेल, ये मैंने कई बार मेंशन किया है, स्टॉक हैज़ बीन इन अ वेरी वेरी नैरो रेंज, फाइनली मुझे लगता है वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कल के दिन में देखा स्टार्ट होते हुए, तो कल का क्लोज करीबन 183 आया। इमीडिएट इसका जो रेजिस्टेंस है करीबन 195 से लेकर 200 रुपीज़ तक का है, यहाँ तक ये जाने का दमखम रखता है, इसके बियॉन्ड भी ये जा सकता है करीबन 240 से 250 प्रोवाइडेड इट मूव्स बियॉन्ड 200 रुपीज़। सो गेल इज़ द सेकेंड स्टॉक विच इज़ कॉल्ड गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सो GAEL, सो दिस इज़ द सेकेंड स्टॉक। दूसरा है RVNL, मैंने 34-35 पे मेंशन किया था, कल ऑलमोस्ट 40 लेवल्स ये टच करके आया है, तो जिस तरीके से हमने कमाया इसमें ऑलमोस्ट 15-20%, और ये मैंने टारगेट्स जो दिए थे 37-38-40-42 अल्टीमेट 42, उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, बट हमारा टारगेट 42 तक का था। तो RVNL इज़ वन ऑफ द स्टॉक विच वी वर बुलिश एंड इट हैज़ प्लेड आउट वेरी वेल। सो ये तीसरा स्टॉक है। अब मुझे जो सेक्टर जो पसंद है वो है मेटल स्टॉक। मेटल स्टॉक में जिस तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से कंसोलिडेशन एक करेक्शन के बाद ये अभी रेडी हो रहा है धीरे धीरे, वो आपको बाय करके चलना चाहिए। खास करके अगर मैं 3-4 स्टॉक्स गिना दूँ, ये मैंने पहले भी मेंशन किया, टाटा स्टील, दूसरा है हिंडाल्को, तीसरा है NMDC, नाल्को, सेल, ये 4-5 स्टॉक है, JSL हिसार, ये 5-6 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा लगता है वो आप स्टॉक लीजिए। मुझे लगता है ये 4-5 स्टॉक्स हैं मेटल काउंटर्स में
जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, और ये मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए पोर्टफोलियो में लिया हुआ है। तो ये डिस्क्लोजर है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अब मैं आपसे शेयर करना चाहता था। L&T देखिए कहाँ से मेंशन किया, अब ये 2070 तक आ चुका है। जिस तरीके से ब्रेकआउट देने के बाद ये अच्छा खासा मूव दिखा रहा है, अभी भी सस्टेनेबल है। मे बी इट कैन करेक्ट टू अप टू 1950। वो बहुत अच्छा प्राइस होगा एंट्री के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए, अगर किसी को L&T में लेना है तो। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप देख के चल सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और आपकी कोई राय या फीडबैक है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू दोज थिंग्स। थैंक यू सो मच।